सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। और हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे उसी के आगे दोस्तों। और कल हमने तीन चैप्टर पढ़ा था दोस्तों। कल हमने पढ़ा था सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, कल हमने पढ़ा था दोस्तों क्वेश्चन टैग, और कल हमने पढ़ा था एफिक्स दोस्तों। तो जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों कि यही वीडियो आपको बताएगा कि आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर चलती है कि नहीं चलती दोस्तों। तो अब जान लीजिए दोस्तों, हम लोग आज से दोस्तों, आज से हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सुन लीजिएगा। आज से हम लोग सुबह जो है 10 बजे वाली में, सुबह 10 बजे वाले में दोस्तों इंग्लिश पढ़ेंगे। और याद रखिएगा एयरफोर्स की इंग्लिश में दोस्तों, एयरफोर्स की इंग्लिश में चाहे आप एक्स ग्रुप से हो, चाहे आप वाई ग्रुप से हो, चाहे आप एक्स वाई ग्रुप से हो, ये क्लास लेना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा दोस्तों। अब आज के बाद, आज से दोस्तों इस क्लास में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे वोकैब इस क्लास में दोस्तों, और एक हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ग्रामर। अर्थात दोस्तों इस क्लास में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक वोकैब पढ़ेंगे दोस्तों और एक ग्रामर पढ़ेंगे। वोकैब में दोस्तों ओ डब्ल्यू एस और आई पी, ओ डब्ल्यू एस और आई पी हम लोग वोकैब में पढ़ेंगे। और ग्रामर में दोस्तों, ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ग्रामर में हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो दोस्तों ग्रामर में हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और वोकैब में हम लोग ओ डब्ल्यू एस और आई पी पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन इसकी शर्त ये है दोस्तों, इसकी शर्त ये है दोस्तों, आपकी ये जो इंग्लिश ग्रामर चल रही है चैप्टर वाइज और वोकैब चल रही है दोस्तों, आपकी शर्त यही है दोस्तों कि कम से कम दोस्तों 15 बच्चे, कम से कम 15 बच्चे दोस्तों लाइव देखें। बस कम से कम 15 बच्चे दोस्तों, अगर 15 बच्चे लाइव नहीं देखेंगे दोस्तों तो मैं बैच बंद कर दूंगा। अभी तक मैं ये सोच रहा था दोस्तों कि जैसे एक दो बच्चे कमेंट कर देते थे कि सर बैच मत बंद करिए, बैच मत बंद करिए, लेकिन नहीं, आज के बाद दोस्तों अगर 15 बच्चों से कम दिखा मुझे, 15 बच्चों से कम दिखा मुझे तो मैं क्लास बंद कर दूंगा दोस्तों। क्योंकि देखिए मैं अपना टाइम निकालता हूं, अपना टाइम खराब करके पूरा एनालिसिस करता हूं, एनालिसिस करके आपके लिए सेटअप करता हूं दोस्तों, और सेटअप करने के बाद देखता हूं केवल 15 बच्चे नहीं जोड़ पाते आप लोग। तो कम से कम 15 लोग तो, हो सकता है एक के साथ प्रॉब्लम हो, 10 के साथ प्रॉब्लम हो, 20 के साथ प्रॉब्लम हो दोस्तों, लेकिन देखता हूं दोस्तों कि 200 लोग हैं, 150 लोग हैं दोस्तों, उसमें कम से कम 100 तो पढ़ने वाले हैं ही दोस्तों। तो वही चीज है कि अगर आप दोस्तों लाइव नहीं देखेंगे तो क्लास नहीं चलेगी, ठीक। तो दोस्तों इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि डेली 10 बजे आपको आना है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद एक चीज सुनिएगा, ये तो आपका इंग्लिश का है दोस्तों, इंग्लिश का है, चाहे आप एक्स ग्रुप से हो चाहे वाई ग्रुप से हो। दूसरी चीज दोस्तों, जो आपकी 7 बजे शाम को दोस्तों जो आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है, और रीजनिंग की क्लास दोस्तों बेसिक से आपकी चल रही है, और इसमें भी मैं देखता हूं दोस्तों 7 बच्चे या 8 बच्चे 6 बच्चे ऐसे रहते हैं, तो इसका भी वही नियम है दोस्तों कि कम से कम 15 बच्चे लाइव जरूर देखें दोस्तों, कम से कम 15 बच्चे लाइव जरूर देखें। जिस दिन 15 बच्चे से कम रहेंगे दोस्तों, अगर 2-3 दिन मैं देख रहा हूं, देखूंगा, और दोस्तों अगर 15 बच्चों से कम हुए दोस्तों तो मैं क्लास बंद कर दूंगा। 2-3 दिन वेट करूंगा कि 15 बच्चे, आप कोशिश करिए, चाहे आप पर्सनली मैसेज करके बुलाइए, चाहे आप जैसे करिए, वो आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों। हमारी जिम्मेदारी है कि मैं आपको पढ़ाऊं और वो चीज पढ़ाऊंगा दोस्तों जो आपको आएगा। और आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, बुक खरीदे होंगे प्रैक्टिस बुक, तो उसमें आपको मिलता भी होगा दोस्तों, जो मैं बताता हूं वो जरूर मिलेगा दोस्तों, उस नियम का दोस्तों मिलेगा। अगर सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो उस नियम का दोस्तों जरूर मिलेगा। तो याद रखिएगा, ये दोनों क्लास,
ये दोनों क्लास दोस्तों अगर आप एक्स वाई ग्रुप से डाले हैं तब भी आपको रीजनिंग पढ़ना है, और अगर आप वाई ग्रुप से डाले हैं तब भी दोस्तों आपको रीजनिंग पढ़ना है। अर्थात ये दोनों क्लास दोस्तों सुबह 10 बजे वाली और शाम को 7 बजे वाली दोस्तों ये दोनों क्लास आपको देखना है। और 15 बच्चों से कम लाइव अगर हुआ, 15 बच्चों से कम लाइव अगर हुआ तो क्लास नहीं चलेगी दोस्तों। 12 बच्चे भी होंगे तब भी क्लास नहीं चलेगी दोस्तों। 13 बच्चे होंगे तब भी क्लास नहीं चलेगी दोस्तों। 15 बच्चे होना अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि फ्री आपको बताया जा रहा है पूरा, और इसमें कितना खर्च होता है आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ठीक। तो इसलिए आपका यह कर्तव्य है दोस्तों कि आपको डेली 15 बच्चे लेकर आना है, और अगर नहीं लाएंगे दोस्तों तो ये मैं पेड कर दूंगा, फ्री नहीं रहेगा। फिर पढ़ाऊंगा तो है ही दोस्तों, लेकिन उन्हीं बच्चों को पढ़ाऊंगा जो पैसा देंगे दोस्तों। तो इसलिए आपका कर्तव्य है, अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं, पूरा मटेरियल फ्री में लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपका कर्तव्य रहेगा कि आप 15 बच्चों को, कम से कम 15 बच्चों को जोड़िए दोस्तों। उसी के बाद दोस्तों मैं और बता दूं कि जैसा कि यक्ष ग्रुप वाले बच्चे कह रहे थे, यक्ष ग्रुप वाले कह रहे थे कि सर यक्ष ग्रुप की मैथ नहीं चल रही है, यक्ष ग्रुप की फिजिक्स नहीं चल रही है, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, सब चलेगा दोस्तों। सुनिएगा, जो आपकी यक्ष ग्रुप की मैथ है दोस्तों, यक्ष ग्रुप की जो मैथ है वो आपका 2 दिन चलेगी दोस्तों। यक्ष ग्रुप की जो मैथ है दोस्तों वो आपकी 2 दिन चलेगी, और 1 दिन में दोस्तों 1 चैप्टर करवाया जाएगा। 1 दिन में आपका 1 चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों, ठीक। तो अर्थात 7 दिन में, 7 दिन में आपकी 2 क्लास चलेगी दोस्तों मैथ की, 7 दिन में 2 क्लास चलेगी। एक तो आपका संडे को चलेगा ही दोस्तों, एक आपका संडे को चलेगा दोस्तों, और एक आपका बीच में 1 दिन चलेगा, ठीक। और ये बीच में कब चलेगा, ये चलने के 1 दिन पहले मैं बता दूंगा दोस्तों। तो 2 क्लास संडे को और बीच में 1 दिन चलेगी, अर्थात 7 दिन में हम लोग 2 चैप्टर कवर करेंगे दोस्तों। 7 दिन में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे, जैसा कि पहली क्लास, इसकी हम लोग पहली क्लास जो लेंगे दोस्तों वो लेंगे 4 अगस्त को। 4 अगस्त को आपकी क्लास रहेगी दोस्तों, 4 अगस्त को सुबह, 4 अगस्त को सुबह दोस्तों 11 बजे, 4 अगस्त को सुबह 11 बजे दोस्तों यक्स ग्रुप की आपकी मैथ चलेगी, और जिसमें आपका लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा 4 अगस्त को, पहली क्लास चलेगी दोस्तों इसकी आपकी, ठीक। तो जो मैथ यक्स ग्रुप के हैं और मैथ कर रहे थे दोस्तों, उनके लिए क्लास में लेके आ गया, देख लीजिए। और याद रखिएगा, इसमें भी नियम वही है दोस्तों कि कम से कम दोस्तों 15 बच्चे लाइव जरूर रहे दोस्तों। अगर 15 से कम होंगे तो क्लास बंद कर दी जाएगी दोस्तों, 15 से कम होंगे तो क्लास बंद कर दी जाएगी दोस्तों। और ये था आपका मैथ का, और वही देख रहा हूं दोस्तों, देख रहा हूं फिजिक्स के लिए भी परेशान थे आप लोग, तो आपकी फिजिक्स की भी क्लास इसी तरह लगेगी, इसी तरह आपकी फिजिक्स की भी क्लास चलेगी दोस्तों। और फिजिक्स की क्लास भी आपकी 2 दिन चलेगी दोस्तों, एक तो आपकी सैटरडे चलेगी, अर्थात एक आपकी शनिवार चलेगी दोस्तों, और एक आपकी बीच में किसी दिन चलेगी, ठीक। एक आपकी शनिवार चलेगी दोस्तों, और एक आपकी बीच में किसी दिन चलेगी। और याद रखिएगा, इसमें भी हम चैप्टर वाइज करवाएंगे, इसमें भी हम चैप्टर वाइज करवाएंगे, लेकिन दोस्तों चैप्टर वाइज किस तरह से होगा सुनिएगा। पहले हम जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, अर्थात मॉडल पेपर से 20 सेट, मॉडल पेपर से दोस्तों 20 सेट का हल करवाएंगे, फिजिक्स 20 सेट का हल करवाएंगे मॉडल
जो हमारा है या प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों, वहां से और उसमें दोस्तों थ्योरी का अलग करवाएंगे, न्यूमेरिकल का अलग। मतलब पहले थ्योरी थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अर्थात दो दिन क्लास है, तो एक क्लास में हम लोग केवल थ्योरी देखेंगे और एक क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक, तो ये थी आपकी सारी क्लासेस दोस्तों, और ये भी क्लासेस दोस्तों आपकी कम से कम 15 लोग लाइव होने चाहिए दोस्तों। तो ये है पूरा, हमने बता दिया दोस्तों जीएस का जो है। आप करंट अफेयर पढ़ते रहिए, करंट अफेयर पढ़ते रहिए, लूसेंट पढ़ते रहिए, बीच बीच में आपको जीएस के वीडियो में देता रहूंगा दोस्तों। तो ये सारा प्रोसेस है दोस्तों, ये तभी मिलेगा जब आप पढ़ेंगे दोस्तों। और वैसे भी क्योंकि दोस्तों अब जो है जान रहे होंगे आप कि आपका जैसा कि अभी तक नोटिफिकेशन आई है कि सितंबर से स्कूल खुलेंगे दोस्तों, 27 सितंबर से, अर्थात सितंबर लास्ट से दोस्तों। तो अगर स्कूल खुल जाएगा तो फिर अगर आप लोग अपना रिस्पांस नहीं देंगे तो फिर मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऑफलाइन पढ़ेंगे हमसे। ठीक, तो ऑफलाइन बैचेज मैं चला दूंगा दोस्तों। तो इसलिए आपका कर्तव्य है दोस्तों कम से कम 15 बच्चे जरूर रहें दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक दोस्तों। आज हम लोग चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। और सबसे पहले दोस्तों इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। आखिर दोस्तों ये सेंटेंस है क्या, आखिर दोस्तों ये सेंटेंस है क्या? मतलब दोस्तों शब्दों का ऐसा समूह। सुनिएगा, सेंटेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों वाक्य। एक मिनट रुकिएगा, सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों वाक्य। और वाक्य का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि एक मतलब सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सुनिएगा दोस्तों, सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। सेंटेंस, सेंटेंस शब्दों का एक समूह है। सेंटेंस शब्दों का एक समूह है जो पूर्ण अर्थ निकालता हो। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ निकालता हो उसे सेंटेंस कहते हैं या फिर वाक्य कहते हैं। आप लिख लीजिए दोस्तों, सेंटेंस, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस इज ए, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक, सेंटेंस मतलब सेंटेंस इज माने है, ए माने एक, ग्रुप ऑफ वर्ड शब्दों का समूह, हैविंग, हैविंग ए कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस। ठीक, शब्दों का ऐसा समूह दोस्तों, शब्दों का ऐसा समूह जो कि पूर्ण अर्थ देता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सेंटेंस कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग, तो शब्दों का ऐसा समूह जो कि पूर्ण अर्थ देता हो क्या कहलाएगा दोस्तों? सेंटेंस कहलाएगा। जैसे द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। राम इज ईटिंग, राम खा रहा है। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। दे हैव ए गोल्डन वॉच, उनके पास एक सोने की घड़ी है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं जितना मैंने लिखा दोस्तों सब का अर्थ पूरा है, सब का अर्थ पूरा है और एक व्यवस्थित है। अर्थात दोस्तों क्या हुआ कि शब्दों का ऐसा समूह जो कि पूर्ण अर्थ देता हो उसे वाक्य कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ये था हमारा वाक्य, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूं दोस्तों। कहीं कोई समस्या नहीं होगी, एकदम बेसिक से चलेगा, लेकिन उसके लिए आपका कर्तव्य है दोस्तों कि शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए दोस्तों, ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोग सीरियस ले रहे हैं पढ़ाई को दोस्तों। अब जान रहे होंगे दोस्तों अगर स्कूल खुल जाएगा तो एग्जाम आपका होगा, और जैसा कि मैंने कमेंट में भी दो तीन बच्चों को बताया था
कि आपका एग्जाम सितंबर लास्ट या अक्टूबर में हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए मेहनत अपनी पूरी रखिएगा, मन लगा के पढ़ते रहिए दोस्तों, और प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि सेंटेंस के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है दोस्तों, सब कुछ सही है। मतलब आगे देखते हैं दोस्तों, पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों कि सेंटेंस के प्रकार, और सेंटेंस दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं दोस्तों, तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं। सेंटेंस के दोस्तों दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है दोस्तों प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो भाग होते हैं दोस्तों, एक होता है आपका सब्जेक्ट, एक होता है दोस्तों प्रेडिकेट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सब्जेक्ट क्या चीज है, प्रेडिकेट क्या चीज है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं एकदम सिंपल भाषा में बता दूं कि जब कोई वाक्य लिखा जाए तो उसमें आप केवल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए दोस्तों। बस क्या ढूंढेंगे आप, या तो आप मेन वर्ब ढूंढ लीजिए या तो आप हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लीजिए दोस्तों। वर्ब क्या है, वर्ब का मतलब यह है कि जो कुछ भी किया जाता है दोस्तों वही वर्ब है आपका। और हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, सहायक क्रिया है। अर्थात आप सहायक क्रिया ढूंढ लीजिए, केवल सहायक क्रिया ढूंढ लीजिए या फिर मेन वर्ब ढूंढ लीजिए। अगर आप ये दो चीज ढूंढ लेंगे दोस्तों तो आपको सेंटेंस मिल जाएगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। जैसे सुनिएगा दोस्तों, सुनिएगा, सीता आर कुकिंग द फूड, सीता आर कुकिंग द फूड। सीता माने सीता, आर माने है, कुकिंग माने पका रही, द फूड माने भोजन, सीता भोजन पका रही है दोस्तों। इसमें देखिए कि आपका क्या कहीं हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है दोस्तों, क्या आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी हाँ दिख रहा है, आर दिख रहा है, और यही है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है पहले, और हेल्पिंग वर्ब के पहले जो चीज लिखा है ना दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के पहले जो कुछ भी लिखा है ये आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, और वही आपका हेल्पिंग वर्ब से लेकर के लास्ट तक जो लिखा है दोस्तों ये आपका प्रेडिकेट है। तो बताइए दोस्तों आप पहचान लेंगे कि नहीं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। जैसे जैसे दोस्तों आगे लिखता हूं मैं, ही इज ए गुड टीचर, वह एक अच्छा अध्यापक है, वह एक अच्छा अध्यापक है। तो दोस्तों यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि हेल्पिंग वर्ब जो लिखी हुई है क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब इज है। और हमने कहा दोस्तों कि इसके पहले जो चीज लिखा रहेगा ये आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, और इसके बाद अर्थात हेल्पिंग वर्ब से लेकर के जो भी आगे का लिखा रहेगा दोस्तों ये आपका प्रेडिकेट है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों, समझ में आ गया हो तो जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों, समझ में आ गया हो तो जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों, और एक बार कमेंट में आइए दोस्तों। तो हेलो विशाल, अभिषेक, नितेश, रवि, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, ये था आपका सेंटेंस, और सेंटेंस में हमने देखा दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। आगे आइए एक एग्जांपल हम और देखते हैं दोस्तों, आप लोग लिखते चलिएगा हमारे साथ, लिखते चलिएगा दोस्तों, एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों। द स्टूडेंट लाफिंग, द स्टूडेंट लाफिंग, बच्चे हंस रहे हैं लाउडली, तेजी से। आर गुड, अच्छे हैं,
बच्चे द स्टूडेंट लाफिंग लाउडली, बच्चे तेजी से हंस रहे हैं। आर गुड, अच्छे हैं, मतलब तेजी से हंसते हुए बच्चे अच्छे हैं। मतलब दोस्तों हमने क्या कहा, हमने कहा कि सबसे पहले आप ये ढूंढिए कि वर्ब आपको कहाँ मिल रही है, हेल्पिंग वर्ब आपको कहाँ मिल रही है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हमको यहाँ पर मिल रही है, और हमने कहा दोस्तों कि हेल्पिंग वर्ब के पहले जो कुछ भी लिखा रहता है दोस्तों वो सब सब्जेक्ट होता है, अर्थात इसमें जो सब्जेक्ट है दोस्तों इसमें ये पूरा सब्जेक्ट है, और जो प्रेडिकेट है दोस्तों ये इतना दोस्तों क्या है आपका, ये इतना आपका प्रेडिकेट है। तो बताइए दोस्तों समझ में आया कि नहीं, ये आप परेशान मत होइएगा कैसे इतना बड़ा सब्जेक्ट बन गया दोस्तों, आप समझेंगे आगे जब हम लोग चलेंगे तो समझेंगे कि कैसे इतना बड़ा बन गया। सेंटेंस में दोस्तों होता क्या है आगे हम देखते हैं, अर्थात दोस्तों नोट में लिखिए, नोट में लिखिए दोस्तों, नोट हेडिंग डाल लीजिए और नोट में लिखिए दोस्तों, नोट में लिखिए एक सेंटेंस में निम्नलिखित चीजें होती हैं, एक सेंटेंस में निम्नलिखित चीजें होती हैं, और वो निम्नलिखित चीजें है क्या दोस्तों, सुनिएगा, जितने भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं, मतलब एक सेंटेंस में दोस्तों नाउन होता है, एक सेंटेंस आपका प्रोनाउन होगा, उसमें एक सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव हो सकता है, एक सेंटेंस में दोस्तों एडवर्ब हो सकता है, एक सेंटेंस में दोस्तों वर्ब हो सकता है, एक सेंटेंस में दोस्तों प्रीपोजिशन हो सकता है, एक सेंटेंस में आपका कंजंक्शन हो सकता है, ठीक। अर्थात दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि एक सेंटेंस में दोस्तों ये सभी चीजें हो सकती हैं। तो हम लोग आइए देखेंगे कि आखिर ये चीजें कैसे हो सकती हैं दोस्तों, एक सेंटेंस में नाउन कैसे हो सकता है, एक सेंटेंस में वर्ब कैसे हो सकता है, एक सेंटेंस में एडजेक्टिव कैसे हो सकता है, एक सेंटेंस में एडवर्ब कैसे हो सकता है, एक सेंटेंस में कंजंक्शन कैसे हो सकता है, एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन कैसे हो सकता है, आखिर कैसे होगा दोस्तों। तो आइए हम लोग सुनते हैं एक एक चीज देखते हैं, अर्थात नाउन कैसे होगा, नाउन क्या है दोस्तों। तो सुनिएगा, पहला नाउन आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा दोस्तों, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, चौथा वर्ब। तो देखिए दोस्तों नाउन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, नाउन का मतलब कोई भी वस्तु हो गई, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी घटना का नाम हो, किसी भी स्थान का नाम हो, किसी भी विचार की बात की गई हो, तो वो सभी दोस्तों नाउन है। मतलब हमने कहा था दोस्तों नाउन की परिभाषा में हमने कहा था, और जब नाउन पढ़ेंगे दोस्तों, अलग से एक चैप्टर है नाउन, तो जब नाउन पढ़ेंगे तो उसमें पूरा आ जाएगा दोस्तों। तो सुनिएगा नाउन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, नाउन का मतलब हुआ कि दुनिया में जो चीज भी आपको दिखाई देती है दोस्तों वो सभी नाउन है। तो आप लिख लीजिए दोस्तों, आप लिख लीजिए, नाउन हेडिंग डालिए और नाउन में लिखिए दोस्तों आगे, नाउन में लिखिए दोस्तों आगे, कोई भी वस्तु स्थान घटना, कोई भी वस्तु स्थान घटना कामा विचार, विचार कामा कार्य, संज्ञा होते हैं, नाउन का मतलब संज्ञा, संज्ञा होते हैं, मतलब कोई भी नाम हो गया दोस्तों, अगर सेंटेंस में कोई नाम आ गया तो वो नाउन है, कोई विचार आ गया दोस्तों तो नाउन है, कोई घटना आ गई दोस्तों तो नाउन है। तो ये सभी चीज मैंने बोला दोस्तों, एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों, जैसा कि देख रहा हूं कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक बार और बताइए, तो सुनिए नाउन में लिखिए दोस्तों कि जब भी वाक्य में कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई घटना, कोई विचार,
या कोई कार्य आता है तो यही नाउन कहलाता है, तो यही नाउन कहलाता है या ये नाउन होते हैं दोस्तों। उसी तरह दोस्तों प्रोनाउन की बात की जाए तो आई, वी, सी, ही, इट, दे, ईटीसी, ये सभी दोस्तों प्रोनाउन है। मतलब नाउन की जगह पर जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो सभी हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जैसे आई हो गया, वी हो गया, सी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, दे हो गया, यू हो गया, ईटीसी, ये सभी दोस्तों हमारे क्या हैं, प्रोनाउन है दोस्तों। उसी तरह एडजेक्टिव देखते हैं। एडजेक्टिव का मतलब क्या है दोस्तों, जो भी नाउन का विशेषता बताए, मतलब नाउन की दोस्तों विशेषता जो कुछ भी जो भी बताता है, लिख लीजिएगा दोस्तों, एडजेक्टिव हेडिंग डालिएगा। प्रोनाउन में दोस्तों केवल यही लिखना है, एडजेक्टिव हेडिंग डालिएगा, आखिर एडजेक्टिव है क्या। तो दोस्तों एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, तो एडजेक्टिव वह शब्द होता है, एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन की विशेषता बताता है, जो नाउन की विशेषता बताता है कि नाउन कैसा है, क्या करता है दोस्तों, नाउन की विशेषता बताता है कि नाउन कैसा है, लंबा है टाल, कि खराब है बैड, कि अच्छा है गुड, क्या है जो नाउन है आपका वो कैसा है, ये चीज जो बताएगा दोस्तों वो क्या है हमारा, वो हमारा एडजेक्टिव है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों वर्ब, वर्ब का मतलब क्या हुआ कि नाउन जो कुछ भी करे दोस्तों, नाउन जो कुछ भी करे दोस्तों, अर्थात नाउन का जो भी दोस्तों एक्शन रहे, नाउन का जो कुछ भी एक्शन रहे दोस्तों। अभी हम नॉर्मल जानकारी सबके बारे में देख रहे हैं दोस्तों, उसके बाद जब पढ़ेंगे टॉपिक वाइज तो वो और विस्तार से होगा दोस्तों। अर्थात हम लोग नाउन, एक चैप्टर पूरा है नाउन का, एक चैप्टर पूरा है प्रोनाउन का, एक चैप्टर पूरा है एडजेक्टिव का, एक चैप्टर पूरा है वर्ब का। तो वही चीज दोस्तों, वर्ब का मतलब हुआ कि जो एक्शन बताए, मतलब नाउन क्या कर रहा है। जैसे राम खाना खा रहा है, तो राम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तो खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तुम पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो जो पढ़ शब्द आया ना, पढ़ना जो आया वो आपका नाउन हो गया दोस्तों, वो वर्ब हो गया दोस्तों। तो वही चीज, कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी चीज करता है दोस्तों, वही आपका वर्ब हो जाता है। तो ये है दोस्तों वर्ब। इसी तरह दोस्तों एडवर्ब, एडवर्ब देखिए लिखा है एड और प्लस वर्ब। एड का मतलब बताए, एडवर्टाइज जिसको बोलते हैं, और वर्ब मतलब वर्ब की, अर्थात जो दोस्तों जो आपकी वर्ब की या पूरे सेंटेंस की विशेषता बताए, वही आपका एडवर्ब होता है। अर्थात अगर आप वर्ब से किसे प्रश्न करिए, क्या प्रश्न करिए दोस्तों, अगर आप वर्ब से किसे या कहां पूछिए, तो किसे और कहां का जो आंसर मिलेगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका वर्ब हो जाएगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका वर्ब हो जाएगा। तो ये एडवर्ब हो जाएगा। किसे और कहां का जवाब अगर मिलेगा दोस्तों, वर्ब से पूछिए किसे, वर्ब से पूछिए कहां। जैसे राम बाजार जा रहा है, तो दोस्तों जा रहा है तो हमने कहा जाना, कहां जाना, तो बोलेगा बाजार जाना। तो दोस्तों जो बाजार आ गया, ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपका एडवर्ब आ जाएगा। किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों बताइए, समझ में आ रहा हो दोस्तों तो एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, समझ में आ रहा हो दोस्तों तो एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों। तो देख रहा हूं दोस्तों बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। आखिर ये था हमारा, हमने बताया कि एक सेंटेंस में इतने चीजें आती हैं दोस्तों, एक सेंटेंस में आपका नाउन प्रोनाउन एडवर्ब अर्थात पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आखिर सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों कि एक सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। अभी अभी हमने लिखा था दोस्तों, जिसमें लिखा था कि द बॉय या द स्टूडेंट लाफिंग लाउडली
तो हमने कहा था दोस्तों ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। तो आखिर होता क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? कोई पूछे सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। और कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो आपका मेन वर्ड होता है दोस्तों। सब्जेक्ट में दोस्तों एक आपका मेन वर्ड होता है जिसको आप कहते हैं हेड वर्ड, जो आपका मुख्य वर्ड होता है, मुख्य शब्द होता है। एक तो आपका मुख्य वर्ड होता है दोस्तों, एक आपका क्वालिफायर होता है, एक आपका मुख्य वर्ड होता है और एक आपका क्वालिफायर होता है और एक आपका एडजेक्टाइवल फ्रेज होता है। ठीक, एक आपका क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टाइवल फ्रेज होता है। अर्थात दोस्तों सब्जेक्ट में हमारे 3 पार्ट होते हैं। मतलब दोस्तों एक मेन वर्ड होता है और हेड वर्ड, एच डब्ल्यू मतलब दोस्तों होमवर्क अब मत पढ़िएगा, एच डब्ल्यू मतलब हेड वर्ड। तो हेड वर्ड के पहले दोस्तों जो कुछ भी लिखा रहता है वो आपका क्वालिफायर होता है। वही दोस्तों हेड वर्ड के बाद जो कुछ भी लिखा रहता है, हेड वर्ड के बाद और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले, मतलब हेड वर्ड के बाद और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले जो कुछ भी लिखा रहता है दोस्तों उसे कहते हैं एडजेक्टाइवल फ्रेज। तो दोस्तों कल हम इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे कि आखिर सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे हम लोग चलेंगे आज दोस्तों OWS पर। आज दोस्तों हम लोग चलेंगे OWS पर और देखेंगे कि OWS में आज आपके लिए क्या है दोस्तों। आज हम लोग देखने चल रहे हैं दोस्तों कि OWS में आपके लिए क्या है, अर्थात वोकैब का पार्ट। वोकैब के पार्ट में हम लोग दोस्तों देखने चल रहे हैं, वोकैब के पार्ट में हम लोग देखने चल रहे हैं क्या देखेंगे दोस्तों? OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो बच्चे नए जुड़े हैं दोस्तों वो भी जान लें कि OWS का मतलब होता है दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दोस्तों हम पहला वर्ड पढ़ेंगे ASPHY स्पाइसिया, SPICIA। स्पाइसिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? दम घुटना या घुटन होना दोस्तों, इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रखिएगा। स्पाइसिया का मतलब होता है दोस्तों दम घुटना, ठीक। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 2018 मार्च में ये वर्ड पूछा गया था दोस्तों स्पाइसिया। स्पाइसिया मतलब होता है दोस्तों दम घुटना, ठीक। तो इसका अगर हम इंग्लिश लिखे दोस्तों, इसकी अगर इंग्लिश लिखे दोस्तों तो द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू ब्रीथ। तो दोस्तों दम घुटना या फिर इसको कह लीजिए बेहोशी। तो स्पाइसिया मतलब होता है दोस्तों दम घुटना या बेहोशी। और इसका दोस्तों अगर वर्ड की बात की जाए तो यही चीज है, देख लीजिए, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू ब्रीथ मतलब सांस लेने में, द स्टेट मतलब स्थान, ऑफ नॉट बीइंग एबल योग्य ना हो, टू ब्रीथ सांस लेने योग्य, अर्थात ऐसा स्थान जो सांस लेने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? स्पाइसिया कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं लेकिन मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए अब तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है दोस्तों, तो इसलिए नाम अब आखिरी में लिया करूंगा जितने बच्चे आए रहेंगे सबका नाम दोस्तों आखिरी में लिया करूंगा। आगे चलते हैं दोस्तों, मिडवाइफ का मतलब दोस्तों, ये अर्थ मत निकालिएगा कि मिड मतलब रात की या मध्य रात्रि की और वाइफ मतलब पत्नी, मतलब मध्य रात्रि की पत्नी, नहीं बच्चों, मिडवाइफ का मतलब होता है दोस्तों प्रवासिका। और प्रवासिका का मतलब क्या हुआ दोस्तों, किसी को पता है? प्रसाविका। दोस्तों
जिसको आप कहते हैं दाई माँ, जिसको आप कहते हैं दाई, दाई माँ उसे कहते हैं दोस्तों प्रसाविका, मतलब जो घर की नौकरानी होती है उसे, या फिर दोस्तों जब बच्चों बच्चे बच्चे को जन्म दिया जाता है दोस्तों, तो जो दाई माँ होती हैं उन्हीं को कहा जाता है दोस्तों क्या, मिडवाइफ या फिर प्रसाविका। देखिए प्रसव प्लस इका, मतलब जो बच्चों को पैदा करवाती हैं दाई होती हैं दोस्तों। अब तो अस्पताल में सब बच्चे होने लगे हैं, नहीं तो पहले दोस्तों अस्पताल नहीं था तो एक दाई होती थी, वही जा करके बच्चे पैदा करवाती थी दोस्तों, ठीक। अब तो अस्पताल में जा करके डॉक्टर जो है, मतलब डॉक्टर की वजह से सब होता है, नहीं तो पहले अभी भी दोस्तों होती हैं जिसको आप कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों, देखिएगा किसी को पता हो तो कमेंट करिए, क्या कहते हैं आंगनबाड़ी, ठीक है आंगनबाड़ी केंद्र होता है दोस्तों, वहां पर अब बच्चे पैदा किए जाते हैं, ठीक। तो ये चीज है दोस्तों, मिडवाइफ का मतलब होता है प्रसाविका, अर्थात ए ओमेन, ए ओमेन हु ट्रेंड, एक औरत दोस्तों जो ट्रेंड हो किस चीज में, टू असिस्ट ओमेन, टू असिस्ट ओमेन इन चाइल्ड बर्थ। तो दोस्तों ए ओमेन मतलब एक औरत जो, हु ट्रेंड मतलब जो ट्रेंड हो, जो प्रैक्टिस की हो, तत्पर हो, टू असिस्ट ओमेन औरत की सेवा करने में इन चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के समय दोस्तों, उसे कहते हैं मिडवाइफ, अर्थात क्या होता है दोस्तों प्रसाविका। आगे चलते हैं दोस्तों, और आज का हम लोग वन वर्ड OWS का हम तीसरा वर्ड देखेंगे दोस्तों, और तीसरा वर्ड क्या है सुनिएगा, तीसरा वर्ड क्या है दोस्तों सुनिएगा, तीसरा वर्ड है दोस्तों क्या कह रहा है देखिए, नोवाइस, NOVICE, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लगा दूं दोस्तों उसको आप लोग जरूर याद करिएगा। और इस संडे को दोस्तों, इस संडे को आपका टेस्ट होगा दोस्तों, इस संडे को आपका टेस्ट होगा, इस संडे को आपका टेस्ट होगा, जितना भी बताया रहूंगा दोस्तों, संडे तक जो कुछ भी इंग्लिश में पढ़ाया हूं दोस्तों उस सब का टेस्ट होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है दोस्तों नौसखिया, नोवाइस का मतलब होता है दोस्तों नौसखिया, मतलब दोस्तों नौसखिया का मतलब ए पर्सन हु इज न्यू, ए पर्सन Who is new? एक आदमी जो नया हो इन द प्रोफेशन, कार्य में, ठीक, ए पर्सन हु इज न्यू, एक आदमी जो नया हो टू प्रोफेशन, मतलब क्या हुआ दोस्तों किसी कार्य को करने में, किसी कार्य को करने में जो नया हो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, नोवाइस कहते हैं दोस्तों। और नोवाइस का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, नौसिखिया होता है, नोवाइस का मतलब क्या होता है दोस्तों, नौसिखिया होता है। आगे देखते हैं दोस्तों OWS का चौथा वर्ड देखते हैं, OWS का चौथा वर्ड देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, OWS का चौथा वर्ड देखते हैं कि चौथा वर्ड क्या है दोस्तों। तो चौथा वर्ड देखिए डायस्पोरा, DIASPORA, डायस्पोरा मतलब क्या हुआ दोस्तों, डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी, प्रवासी का मतलब होता है दोस्तों कि बाहरी देश का कोई व्यक्ति आपके यहां अगर आके रह रहा है तो उसे कहते हैं प्रवासी, जैसे कहते हैं प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय का मतलब कि यहां भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर विदेश में जाके रह रहा है दोस्तों तो वही प्रवासी भारतीय कहलाता है। तो वही चीज है दोस्तों डायस्पोरा, डायस्पोरा का मतलब होता है दोस्तों प्रवासी, और ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, डायस्पोरा का मतलब होता है दोस्तों प्रवासी और ये भी इंपॉर्टेंट है। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव आउटसाइड द एरिया, मतलब ए ग्रुप ऑफ
प्यूपिल मतलब लोगों का एक समूह, हु लिव माने जो रहता हो, आउट ऑफ द एरिया मतलब क्षेत्र के बाहर जो रहता हो दोस्तों, वही कहलाता है आपका क्या, प्रवासी कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए, कमेंट करिए दोस्तों, और जय हिंद लिखिए दोस्तों। देख रहा हूं दोस्तों बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, और मैंने कहा दोस्तों आज कल परसों 3 दिन मैं देखूंगा दोस्तों, और अगर यही कंडीशन रही तो मैं क्लास बंद कर दूंगा दोस्तों। आपका कर्तव्य है, आप कहां से बच्चे जोड़ेंगे, कहां से बच्चे को लाएंगे, ये आपका कर्तव्य है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग लाइए, मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है दोस्तों बच्चों को इकट्ठा करना, नहीं तो मैं क्लास बंद कर दूंगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आईपी में चलते हैं दोस्तों। आईपी का मतलब होता है दोस्तों आइडम्स फ्रेज, और आइडम फ्रेज का मतलब पहला वर्ड देखते हैं, ए ग्रे एरिया। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ग्रे एरिया का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ए ग्रे एरिया का मतलब हुआ अस्पष्ट। जी हाँ दोस्तों, ए ग्रे एरिया का मतलब हुआ दोस्तों अस्पष्ट, मतलब दोस्तों कि अगर स्पष्ट ना दिखाई दे तो उसे कहते हैं ए ग्रे एरिया। तो दोस्तों ए ग्रे एरिया का मतलब हुआ अस्पष्ट, अर्थात लैक ऑफ क्लियरिटी। लैक मतलब होता है दोस्तों कमी, ऑफ क्लियरिटी मतलब कि स्पष्टता का। तो दोस्तों कल वाली क्लास अगर आप देखे होंगे तो देखिए इसमें ITY जुड़ा है दोस्तों, और हमने कहा था कि अगर आपका ITY मिल जाएगा, IOS मिल जाएगा, तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा क्या, वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा दोस्तों। तो ये विशेषता बता रहा है, तो वही चीज है दोस्तों, पहला वर्ड हमने देखा। आगे देखते हैं इसका आईपी का दूसरा वर्ड दोस्तों, आईपी का दूसरा वर्ड देखते हैं, और दूसरा वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ए येलो स्ट्रीक दोस्तों, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ए येलो स्ट्रीक दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, अर्थात दोस्तों एक पीली स्ट्रीक लाइट। तो दोस्तों पीली लाइट का मतलब हुआ कि अत्यधिक डरपोक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ए येलो स्ट्रीक, और ए येलो स्ट्रीक का मतलब हुआ दोस्तों अत्यधिक डरपोक, या फिर लिख लीजिए ए टेंडेंसी TENDENCY ए टेंडेंसी टूवार्ड्स TOWARDS टूवार्ड्स क्वार्डिस, ए टेंडेंसी टूवार्ड्स क्वार्डिस। दोस्तों कल की क्लास का जो पासवर्ड है, कल का मतलब कि जो आपकी क्लास सिक्स चली थी दोस्तों, क्लास सिक्स जो चली थी उसका पासवर्ड है दोस्तों 2345। जो आपकी परसों क्लास चली थी, अर्थात क्लास सिक्स जो चली थी दोस्तों, उसका पासवर्ड है 2345, याद रखिएगा, उसका पासवर्ड है दोस्तों 2345। आगे चलते हैं दोस्तों, और आईपी का पांचवा वर्ड, और ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, An Apple Pie Order। जी हाँ दोस्तों, AppleODERE, An Apple Pie Order, और An Apple Pie Order का मतलब होता है दोस्तों सुव्यवस्थित रूप से। An Apple Pie Order का मतलब होता है दोस्तों सुव्यवस्थित रूप से, अर्थात इन वेरी गुड ऑर्डर, अर्थात दोस्तों सुव्यवस्थित रूप से। तो ये था आज का वर्ड दोस्तों, हमने ग्रामर भी पढ़ा और हमने वोकैब भी पढ़ा दोस्तों। आज से आपकी ये सीरीज इसी तरह चलेगी, पहले हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे 20-25 मिनट, उसके बाद दोस्तों हम 20-25 मिनट वोकैब पढ़ेंगे, और जैसा कि आप जानते होंगे एयरफोर्स में दोस्तों ग्रामर प्लस वोकैब दोनों आती है, और हम लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। तो अर्थात दोस्तों प्रैक्टिस बैच जो प्रैक्टिस चलती है उसको, और जो ये चलता है दोस्तों इसको, दोनों चीज आप देखिए। प्रैक्टिस आपकी जस्ट इसी के बाद 4 बजे वाली में, जो 4 बजे चलती थी दोस्तों, वो जस्ट इसी के बाद चलेगी कुछ देर बाद,
ठीक है दोस्तों। तो 11 बजे वो क्लास आपकी चलेगी। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।